A news update sponsored by RS Academy, second floor, Ramagovan Palace, Sirmaur Chauraha, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा जिले में मॉडल रोड के निर्माण के कारण पुराने बस स्टैंड से बसों को हटाकर रेलवे तिराहा में शिफ्ट कर दिया गया। 2 महीने का समय बीत चुका है और पिछले 2 महीने से यात्री रेलवे तिराहा से ही बस पकड़ रहे हैं, लेकिन अब उनकी परेशानियां उजागर हो रही हैं। मॉडल रोड निर्माण के कारण बसों को शिफ्ट तो कर दिया गया, लेकिन बिना किसी सुविधा और व्यवस्था के। यात्रियों के लिए इस भीषण गर्मी में ना पेयजल की व्यवस्था है, ना किसी तरह के शेड की व्यवस्था है कि वह गर्मी से और धूप से बच सकें, और ना ही शौचालय की। इसके अलावा वह तमाम मध्यम वर्गीय व्यापारी भी परेशान हो रहे हैं, जो हर दिन कमाते हैं और खाते थे। बस स्टैंड में बसों और यात्रियों के न होने के कारण उनका व्यापार भी बंद है। व्यापारी संघ की मांग है कि वापस से पुराने बस स्टैंड में ही बसों का आवागमन शुरू कर दिया जाए। इसके साथ ही वो तमाम व्यापारी शिकायत कर रहे हैं, वो अब यात्री भी शिकायत कर रहे हैं, जिन्हें 2 गुना किराया देकर रेलवे तिराहा पहुंचना पड़ता है और वहां पर भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। आइए आपको सुनाते हैं उन तमाम यात्रियों का क्या कहना है। बड़ी समस्या तो ये है कि गाड़ी खड़ी करने का कोई सही जगह नहीं है। यहीं से रोड जाती, यहीं गाड़ी खड़ी होती, कोई भी वाहन आता जाता तो मार देता ठोकर, कहीं पब्लिक को तो कहीं गाड़ी वाले को। दूसरी बात यह है कि आधी बसें वहाँ चल रही हैं, सुबह 9 बजे तक, 9:30 बजे तक, 10 बजे तक पुराने बस स्टैंड में रहती हैं, फिर वहाँ के बाद फिर यहाँ भेजते हैं, तो यहाँ आती गाड़ी तो आधी वहाँ रहती है, आधी यहाँ रहती है। इसके बाद भी सूत्र सेवाएँ चलती हैं नए बस स्टैंड से, तो वहाँ से पूरे बाज़ार होते हुए वो यहाँ से पूरे रोड में जाती हैं, उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। इनके लिए बहुत ज़्यादा प्राइवेट बसों के लिए, ये प्राइवेट बस वाली इतना परेशान है, ये तो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, इनको भगाते रहते हैं, भागते जाओ, जैसे ना इनका कोई टैक्स लगता हो, ना कोई इनका परमिट हो, जैसे कोई अनाथ हो, कोई इनका कोई माई बाप ना हो, इस तरह चलते हैं। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये सूत्र सेवा की जो बसें हैं, यदि वहाँ जाती हैं, नए बस स्टैंड जाती हैं, तो बाईपास होके जाएँ और वहाँ रुके। हम लोग चाहें तो चाहे यहाँ रखें हमको तो तब भी ठीक है, लेकिन वहाँ ना लगे। फिर सुबह 6 बजे से और शाम तक जब तक गाड़ियाँ चलें तब तक वहाँ लगें, यहाँ लगें, वहाँ ना लगें। यदि वहीं बस स्टैंड बनाना है तो वहीं रखें फिर गर्मी के सीजन तक, क्योंकि सब मोटर मालिकों को हर चीज़ की सुविधा है, छाया भी है ना, पानी की समस्या ज़रूर यहाँ पर है, उसके वजह से शौचालय का वो नगर निगम अभी रखवाए, लेकिन साफ़ सफाई वहाँ पर नहीं होती है सुबह शाम, है ना, गंदगी रहती है, पानी की भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। जो कर बताइए क्या समस्या है यहाँ? समस्या यहाँ पर ना पानी की व्यवस्था है, ना छाया है, ना खाने पीने कुछ है, अपने स्टाफ को खाने की यहाँ व्यवस्था नहीं है। बस स्टैंड में ये था कि होटल भोजन की सारी व्यवस्थाएं थी, स्टाफ को सोने रुकने सुलभ कॉम्प्लेक्स हर चीज़ की, यहाँ वो सारी सुविधाएँ नहीं हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं, माननीय यातायात प्रभारी शर्मा जी से बात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था 3 तारीख को बस स्टैंड वापस पुराने बस स्टैंड चला जाएगा, और अभी तक बस स्टैंड वापस नहीं गया। 3 तारीख के लिए आवश्यक? हाँ, 3 तारीख के लिए सर ने बोला था, 3 तारीख को वापस जाएगा। कितनी यहाँ से बसें रोज जाती हैं? यहाँ से बसें सर, यहाँ से 50 बसें चलती हैं जी सर। बढ़िया, यहाँ शहरी है, गाड़ी भी शहरी में खड़ी रहती हैं, परेशानी है पब्लिक को, वहाँ से 120 रुपये दे के आती हैं, फिर यहाँ ऑटो वाला 50 रुपये मांगता है, पब्लिक परेशान होती है, इसलिए सोचते हैं यहाँ से बस स्टैंड वहाँ चला जाए, पब्लिक परेशान ना हो। बस स्टैंड जाए या यहीं रहे? चला जाए यहाँ से, वहाँ चला जाए, शौचालय कुछ भी नहीं है, पानी पीते तो खरीद के पीते हैं, कोई सुविधा यहाँ कोई भी नहीं है, ना पानी की है, ना कहीं बाथरूम लेटरिन जाना हो वहाँ की सुविधा, कोई यहाँ सुविधा नहीं है। यहाँ से बस स्टैंड, वही बस स्टैंड ज़्यादा अच्छा है, यहाँ डेली आते हैं, यहाँ झगड़ा होता है, किसी लेडीज़ को अगर बाथरूम जाना है तो बेचारी पर्दा यहाँ बैठ जाती हैं, अच्छा नहीं लगता, भद्दा लगता है। मॉडल रोड के निर्माण के कारण पुराने बस स्टैंड से रेलवे तिराहा में बसों को शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन जिला प्रशासन ने यह ध्यान नहीं दिया कि वहां पर यात्रियों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और अब यात्री परेशान हो रहे हैं। मॉडल रोड का निर्माण, ये निर्माण कार्य कब पूरा होगा ये अभी पता नहीं है,
लेकिन जिला प्रशासन इस ओर भी ध्यान नहीं दे रहा है कि यात्रियों को वहां पर किस तरह की असुविधा हो रही है। इस भीषण गर्मी में पानी न मिलना, छांव न मिलना और शौचालय की भी व्यवस्था न होना यात्रियों के लिए काफी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। देखना होगा कि इन समस्याओं का निराकरण कब तक में जिला प्रशासन करता है। अ न्यूज अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय RS अकेडमी, सेकेंड फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा।